हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का ये व्लॉग होने वाला है पूरा ट्रेकिंग का। तो आज हम जा रहे हैं सब हॉस्टल के दोस्त विसापुर। अभी आप देख सकते हैं कि 5:12 बजे है यहाँ पे, और अभी हम सब लोग निकलेंगे और बताएंगे आपको आगे जाके क्या होता है इस व्लॉग में। तो व्लॉग में आगे तक बने रहिए। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। इन दोनों की वजह से लेट हुआ, आप देख सकते हैं दोनों लेट आए। बहुत ही कष्टों के बाद हमको यहाँ पे बस मिल चुकी है, और अब हम सब जा रहे हैं स्टेशन पे शिवाजी नगर के, और वहां से निकलेंगे विसापुर के। आधी बस हमारी लोग है। तो भाई ये देखिए, हम सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे स्टेशन पे, और यहाँ पे हमारी लोकल जो है वो 6:30 बजे की लोकल है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये देख सकते हैं आप, गीला हो चुका है स्टेशन, थोड़ी बारिश आ चुकी है यहाँ पे। तो बारिश तो चाहिए ही अगर आप ट्रैक को जा रहे हैं, तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो अभी हम सब निकलेंगे, अभी लोकल मिलते ही। भाई जी देखिए, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे है सारे लोग, आप देख सकते हैं। इनको आपने पहले भी मिले, आप इनसे ये सीधे चाल पानी है। और यहाँ पे बाकी के भी लोग हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे रौनक लड्डा आपको दिख रहे होंगे, ये रौनक लड्डा। तो भाई जी देखिए, यहाँ पे हम सब लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं सब लोग। और इसके बाद में अभी हमको बहुत ज़्यादा चढ़ना है, उसके बाद में यहाँ देख सकते हैं आप, हमको यहाँ से ऊपर चढ़ के जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन मौसम हो रखा है, और सब लोग यहाँ पे जा रहे हैं आप देखिए। और ऊपर देखिए, आपको फॉग भी दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अभी ऊपर जाके देखते हैं क्या है वहाँ पे। बारिश भी थोड़ी थोड़ी चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है। ये देखिए, ये हमारा पहला वाटरफॉल यहाँ पे हमको दिख चुका है। इसके आगे भी एक और वाटरफॉल है शायद, तो ये जो है ये पहला वाटरफॉल है, और पास में से कुछ ये ऐसा दिखता है। और यहाँ पे हमारे थोड़े से बच्चे जो है वो ऊपर गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब बच्चे खड़े हैं, हाय कर रहे हैं वहाँ से। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आपको व्यू दिख रहा होगा, और यहाँ पे हमारे साथ हमारे हॉस्टल के जीए साथ, और यहाँ पे सब बच्चे भाई। ये है मेन स्पॉट, यहाँ पे से शुरू होता है असली ट्रैक। यहाँ तक आप गाड़ी से भी आ सकते हो, और कैसे भी आ सकते हो, पैदल भी आ सकते हो। अगर पैदल आए तो आपको 2-4 वाटरफॉल बीच में देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ से जो है वो शुरू होता है असली ट्रैक। भाई देख सकते हैं यहाँ पे कितना कीचड़ है, आपको इस कीचड़ से होके हुए जाना पड़ेगा। और अगर आप बारिश के समय में आते हो तो देख लेना, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो रखा है। अगर आपको एडवेंचर की बहुत ज़्यादा इच्छा है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। और अभी ऊपर जाते हैं और बताते हैं आपको और कुछ चीज़ें ऊपर जाने के बाद कैसा दिखता है, क्या है। यहाँ पे से तो पूरा फॉग फॉग दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो अभी ऊपर जाते हैं और बताते हैं। तो गाइस अभी हमने यहाँ पे ब्रेक लिया है, यहाँ पे सब लोग मैगी खा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है विसापुर किला, यहाँ से शुरुआत होती है। ये देखिए स्टेप से यहाँ पे, और ये है इसकी एंट्रेंस। अभी ऊपर ऊपर जाएंगे, और सब लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे, हम 20 लोग जो आए थे सब यहाँ पे हैं। यहाँ पे हमारा आधा रास्ता हो चुका है, और अभी बस आधा ही बचा है, आप देख सकते हैं। ये ऊपर जाना है हमको यहाँ पे, और ये देखिए सब लोग यहाँ पे रुके हैं 1 मिनट के लिए। यहाँ पे वाटरफॉल आप देख सकते हैं, यहाँ पे वाटरफॉल भी है, ऊपर है बहुत, आपको दिख रहा होगा, क्लियर नहीं दिख रहा है, बहुत फॉग हो चुका है ऊपर। ये देखिए, इस वाटरफॉल से हमको ऊपर चढ़ते हुए आना है, और यहाँ पे देखिए हिप्रकेश ऊपर चढ़ते हुए, और बाकी ये हिमांशु है ऊपर, और बहुत सारे जो लोग हैं वो आ रहे हैं इस टाइम पर। बहुत ज़्यादा गर्दी हो चुकी है, और सब लोग ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो गाइस ये देखिए, हम टॉप पे पहुँच गए हैं, यहाँ पे है ये पूरा, यहाँ से जो है वाटरफॉल शुरू होता है, और आप देख सकते हैं पूरा ही फॉग है। और ये प्रीतेश हमारी वीडियो निकाल रहे हैं, हम इनकी वीडियो निकाल रहे हैं, और ये यहाँ पे है सब लोग, बहुत थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा पानी था नीचे, आने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई है हमको। और ये सब लोग यहाँ पे, यहाँ पे बहुत जोरों से हवा चल रही है, मेरी आवाज़ भी आ रही है कि नहीं क्या मालूम। और ये देखिए यहाँ पे पूरा ये
फॉग में पानी मिक्स है, ये मिस्ट हो चुका है और पूरा ये उड़ रहा है हमारे शरीर पर। और देख सकते हैं नीचे का कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो देखिए कुछ ऐसा ठंडी का माहौल हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी बढ़ चुकी है। तो ये देखिए हम लोग अभी नीचे उतरना स्टार्ट कर दिए हैं और ये जो पूरा वाटर है वो पूरा ब्राउन कलर का हो चुका है। हम जब आए थे तब ये पूरा क्लियर था और अभी बहुत ज़्यादा पानी बढ़ चुका है और यहाँ से हम लोग सब लोग नीचे जाएंगे। और गाइस देखिए 20 लोग गए थे, 20 लोग वापस आ चुके हैं और यहाँ पे सब लोग और इस तरीके से हमारा ट्रैक पूरा हो चुका है। बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया हमने, आपको बता भी नहीं भाई इतनी ज्यादा पानी था वहाँ पे। तो हो चुका है हमारा ट्रैक, तो मिलते हैं अभी घर पे जाने के बाद। तो गाइस अभी हम सब लोग घर पे आ चुके हैं और आपको मैं एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे कि आप जब भी वहाँ पे जाएंगे तो अपने शूज़ की ग्रिप बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे वाटरफॉल पे चढ़ना है तो फिर आपको वहाँ स्लिपरी स्टोन्स हो गए तो उस पर आपको चढ़ना होगा, तो इसके लिए आपको ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए। और अगर आपको रेनकोट लेके जाना है तो आप रेनकोट भी लेके जा सकते हैं, और अगर आपको भीगना है तो आप वैसे भी जा सकते हैं, और अगर आपको ऊपर गाड़ी से जाना है तो आप गाड़ी से भी जा सकते हैं, या फिर आप पैदल जाएंगे तो आपको एक दो वाटरफॉल दिख जाएंगे। वहाँ पे नीचे से कोई कोई गाड़ियाँ शुरू होती है तो वो गाड़ी आपको ऊपर तक लेके जाती है, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज है वहाँ पे, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस यार गाइस इतना ही था इस वाले ब्लॉग के लिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय। दिख रहा हूँ क्या बात।